प्रदेश की समाजवादी संस्था सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की जनपद मेमोरी में भी सराहनीय पहल देखने को मिली है। जनपद के कस्बा करहल पहुंचे पदाधिकारियों ने नगर के मोहल्ला काजी में गरीबों एवं सर्दी में ठिठुरते जरूरतमंद लोगों को उन्हीं गर्म कंबल वितरित किए हैं। कंबल पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी है, जिसकी नगर वासियों ने मुक्त कंठ से सराहना की है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी अजमत राहत ने गरीबों को कंबल वितरित कर कहा कि दीन दुखियों, निर्बलों, पीड़ितों, असहायों एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। संस्था ने नगर में कंबल वितरित कर पुनित कार्य किया है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कासिम जान ने कहा कि सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का उद्देश्य समाज सेवा करना है। प्रदेश में चलाए जा रहे समाजवादी कार्य के अभियान में बढ़ती सर्दी में कंबल वितरित किए हैं। संस्था के वॉलंटियर के अहम योगदान से संस्था प्रगति की ओर अग्रसर है। करल में अब तक गरीबों को वितरित किए गए उन्हीं गर्म कंबल में संस्था ने सबसे बेहतरीन क्वालिटी के आधा सैकड़ा से अधिक उन्हीं गर्म कंबल वितरित किए हैं। कार्यक्रम में रोहन कुरेशी, मोहम्मद असलम, मोहम्मद मुदरसर अली आदि तमाम लोग मौजूद दिखे। कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। शुभ नाम, नाम क्या आपका? अच्छा, आज आपको यहाँ पर कंबल मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छे हो भैया, खूब अच्छी तरह रहा भैया, कंबल मिल गए। संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगी? संस्था के लिए भैया सबको ऐसे चाहिए भैया, अच्छी तरह ब्राइट फ्यूचर के संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आज आप जगह जगह सामने जी कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हमारी सोसाइटी फॉर फ्यूचर डिजास्टर पर काम करती है कि और उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ये भी एक डिजास्टर का रूप है, तो हम इसमें उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग मांग नहीं सकते हैं और हम घर घर जाकर उनका सर्वे करते हैं और फिर उन्हें बुलाकर उनके इस... अच्छा, आज करल में कंबल वितरण हुआ है, किस तरह से आपने इसका चयन किया, क्या है पूरा? वो हमारे वॉल्टियर पहले से इसका सर्वे कर रहे थे, घर घर जाकर देख रहे थे लोगों पे बोलने के लिए क्या क्या वसाइल हैं, अगर किसी के बच्चे ज्यादा हैं और उसके आमदनी कम है तो हमने उसको टारगेट करा है, या बेवा हैं औरतें उनको टारगेट करा है, ऐसे लोगों को हमने टारगेट करके फिर उनको एक टोकन दिया। उसके बाद फिर आज 17 तारीख है और हमने आज का 2 बजे से ये कार्यक्रम। कितने लोगों को लगभग कंबल दिए? क्योंकि अब करल में आज 50 लोगों को कंबल दिए हैं, वरना अभी तक हम पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। थैंक यू सर। हमारा काम भारत के 16 स्टेट के अंदर है और हम 16 स्टेट में डिजास्टर पर काम करते हैं। कहीं पर भी बाढ़, आपदा या आगजनी हो जाती है बड़े पैमाने पर, वहाँ हमारे प्रशिक्षित वॉलंटियर जाकर रात का और बचाव का कार्य किया करते हैं। तो चूंकि उत्तर भारत में इस वक्त सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और हर साल पड़ती है, तो SDF इसको एक छोटा डिजास्टर मानता है, तो हम इस मौके पर उन तमाम लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं जो लोग सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं, खुद मांग नहीं सकते हैंगे, वो इतने ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के हाथ नहीं फैला सकते हैं, तो हमारे वॉल्टियर उनका घर घर जाकर सर्वे करते हैं और उसके बाद फिर हम ये कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये यूपी में इस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा है करल में, वो सेकंड फेज है, इससे पहले एक फेज हम कर चुके हैंगे और अब ये सेकंड फेज में जब देखा कि सर्दी अब ज्यादा सर्दी आई है और ये डिजास्टर का रूप ले रही है कि तब हम आए और इस प्रोजेक्ट को सेकंड फेज में लेकर आएंगे।